ओ, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई i20 के बारे में। एक बहुत ही कमाल की हैचबैक है जिसने जो है काफी टाइम तक इंडियन मार्केट पर राज किया है और अभी जो है नए फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। बिल्कुल, इसके बारे में करेंगे पूरी चर्चा के 2024 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या नए चेंजेस आपको इंजन में देखने को मिल जाएंगे, लॉन्च स्पेक्स फीचर्स क्या रहेंगे, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कमाल की गाड़ी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। एक बजट सेगमेंट की गाड़ी है बट बहुत ही ज़्यादा किलर फीचर्स के साथ आने वाली है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी कार बाइक की वी को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और हमें लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, i20 एक वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है जो कि आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलती है। इसका बहुत ही जल्दी आपको जो है फेसलिफ्ट देखने को मिलने वाला है। वो आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी ये कह सकते हो कि फेसलिफ्ट आपको पहले की तरह ही देखने को मिलेगी बट इसमें बहुत सारे नए चेंजेस किए जाएंगे। जैसे DRL की पोजीशन हो गई, इसके अलावा आपको बम्पर रीडिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, एलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियर में आपको बहुत सारे एड ऑन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल जो है फील देने वाले हैं। इंजन की बात कर ले, इंजन इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 83 PS की पावर और 115 Nm तक की टॉर्क निकाल के देगा और ये 5-speed मैनुअल या CVT के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको जो है ये कह सकते हो कि एक हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है, यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर प्लस आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको 1.2 लीटर ही देखने को मिलेगा पर इसकी एफिशिएंसी आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी। अब तो बोला जा रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर और इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी जो है ये गाड़ी देने वाली है आने वाले टाइम में हाइब्रिड इंजन की हेल्प से। तो आप ये मान के चल सकते हो कि काफ़ी शानदार जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गाड़ी आप जानते ही हो i20 का सिक्का जो है चलता इसलिए था क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, ना ही ज़्यादा सस्ती है। ये एक तरीके से मिड रेंज टाइप गाड़ी आप इसको बोल सकते हो। वेरिएंट्स की बात कर ले तो आपको 6 बोर्ड वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्सो, एस्टा, एस्टाओ। तो आपको ये सारे पहले भी देखने को मिलते थे, वैसे ही आपको वेरिएंट्स जो है इसके देखने को मिल जाएंगे। बट ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है अगर सेडान सेगमेंट की बात कर ले। बहुत सारे लोग आज भी ऐसी गाड़ी ढूंढते हैं जो कि रिलायबल हो, जिसका इंजन काफ़ी ज़्यादा शानदार हो, ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, वो गाड़ी ज़्यादा सस्ती भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि गाड़ी एटलीस्ट आपके पास मिड रेंज गाड़ी है जो कि 10 लाख की रेंज की आपको लगे देखने में भी। तो ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है जो कि इस सेगमेंट में आती है। फीचर्स की बात कर ले तो आपको यहाँ पर 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास देखने को मिलेंगे, रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की बात कर ले, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वॉइस कंट्रोल पर बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हो कि गाड़ी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलने वाली है, कनेक्टिविटी के मामले में, इंटीरियर्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाफ हेडलाइट्स की बात कर ले तो आपको LED प्लस प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिल जाएगा। DRLs की पोजीशंस आपको चेंज देखने को मिल सकती हैं। इस बार हो सकता है कि फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRLs और रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स जो है स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, आइसोफिक चाइल्ड सीट और ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। माइलेज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी इन गाड़ियों की ह्यूंडई की, कि इनके जो माइलेज है वो बहुत कम निकल के आता था। इवन i20 के पेट्रोल वेरिएंट की 12 तक की एवरेज निकल के आती थी बट अभी उसको सॉल्व किया जा रहा है। एफिशिएंसी जो है आने वाली गाड़ी में आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, 15 प्लस माइलेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और हाइब्रिड में नेक्स्ट लेवल माइलेज मिलेगी आपको। ये कह सकते हो हाइब्रिड में आपको 25 से 30 तक की एवरेज जो है गाड़ी निकाल कर देगी बट उसके कंपैरेटिवली आपको प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट। बाकी इस गाड़ी की बात कर ले तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ठीक ठाक से देखने को मिलता है। आजकल की SUV या माइक्रो SUV की तरह नहीं है बट बहुत ज़्यादा शानदार और स्मूथ आपको फील होगा। राइवल्स की बात कर ले तो यहाँ पर मारुति बलेनो हो गया, मारुति फ्रॉन्क्स हो गया, टोयोटा ग्लांजा हो गया, टाटा अल्ट्रोस हो गया, टाटा पंच हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ इसको जो है टक्कर देने वाली हैं बट ये गाड़ी जो है, और ह्यूंडई इसको ऐसे लॉन्च करेगा कि जैसे ये गाड़ी जो है उन सबको आउट परफॉर्म कर सकती है। इसमें जो है अच्छे से अच्छे फीचर्स कम से कम प्राइस पर देने की कोशिश जो है रहेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है इस गाड़ी के लिए भी,
तो ये कह सकते हो कि अभी ये गाड़ी अगर लॉन्च होती है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें Hyundai को फेस करनी पड़ सकती हैं, बट Hyundai के पास ये है कि बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है पिछले, मतलब पास का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका किया ब्रांड भी इनके अंडर आता है, तो Hyundai की जो प्लानिंग है वो आने वाले कुछ सालों में जो है 50% मार्केट शेयर पे जो सस्ती कारों का है, यानी 15 लाख से नीचे वाली जितनी भी गाड़ियाँ बिकती हैं उनको जो है कैप्चर करना है। तो किया ब्रांड प्लस Hyundai ब्रांड दोनों के साथ जो है Hyundai यहाँ पे खेलने की कोशिश करेगा, और ये कह सकते हो कि बहुत इजीली ये अच्छा जो है मार्केट शेयर भी ले सकता है, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो गुड लुकिंग हैं, उनमें आपको फीचर्स अप टू डेट देखने को मिल जाते हैं, उनमें आपको ये कह सकते हो डिज़ाइनिंग काफ़ी शानदार देखने को मिलती है, इंजन रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा शानदार है, इसके अलावा बस ये माइलेज में थोड़ी मार खा जाती हैं इन स्पाइट ऑफ एवरेज बिल्ड क्वालिटी, ऐसा भी नहीं है इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा भारी है, बट स्टिल जो है माइलेज थोड़ी कम निकाल के देती हैं, एफिशिएंसी और ये कह सकते हो कि एफिशिएंट इंजन बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इनको पड़ेगी। बाकी देखें i20 की जो नई डिज़ाइन आई थी ये लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इन कंपेरिजन टू पिछले जनरेशन के, क्योंकि पिछला जनरेशन में देखो गाड़ी थोड़ी बल्की लगती थी, अच्छी लगती थी, 10 लाख के गाड़ी जो है अराउंड लगती भी थी। आज भी टाइम पे ये गाड़ी देखो इसकी जो बैकलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार सी है, फोल्डिंग टाइप से लगती है, इंटीरियर्स आपको काफ़ी डिम देखने को मिलते हैं, अभी इनकी सारी कलर स्कीम से लेके मटेरियल से लेके हर चीज़ जो है यहाँ पे अपडेट की जाने वाली है, तो आपको आने वाले टाइम में बढ़िया जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और बैक साइड पे भी आप ये कह सकते हो, रियर में भी आपको जो है टेल लैंप्स है उसके डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कैमोफ्लेज है जहाँ पे सिर्फ रियर ही ज़्यादा ढका हुआ था, तो वहाँ पर जो है मेजर जो अपडेट आपको रियर में देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में भी आपको जो DLLs है वो कनेक्टेड देखने को मिल सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो है एरो व्हील्स का डिज़ाइन नया देखने को मिल जाएगा, डायमेंशंस आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी, इंजन में आपको जो है एक मैंने आपको बता ही दिया कि हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता है इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, तो देखो इसकी प्राइसिंग जो नॉर्मल इंजन है यानी 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लेंगे तो 7 लाख रुपीज़ से शोरूम स्टार्ट होगी, अपडेटेड वेरियंट की बात कर रहा हूँ, तो ऑन रोड पढ़ते पढ़ते इसका बेस वेरियंट आपको 8 लाख के आसपास पड़ेगा, वहीं अगर हाइब्रिड की बात कर ले तो ये 11 से 12 लाख का एक्स शोरूम प्राइस इसका हो सकता है, और जाते जाते 14-15 लाख की आपको पड़ेगी। अब इस प्राइस रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अब देखना आपको है कि आपने इस गाड़ी के साथ जाना है जहाँ पर आपके पास और अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आप एक लंबे टाइम के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है कि गाड़ी आप जो है ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले हो उससे, एंड आपको सिंपल सादी सिंपल सिटी वाली गाड़ी चाहिए, मतलब तो शहर में चला रही है या हाईवे पर चलानी है नॉर्मल, ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है, आपको कम मेंटेनेंस में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये गाड़ी की लॉन्च आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।